हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूडियो। और आज ये मेरा पहला व्लॉग है और हम लोग जूडियो गए थे, तो सोचा मैं वहाँ की जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आइए, चलते हैं जूडियो। और यहाँ की जो स्टोर टाइमिंग्स होती हैं वो सुबह 11 बजे से शाम को 9 बजे तक होती हैं। जूडियो में समर कलेक्शन इतना ज़्यादा अच्छा था ना कि बस क्या ही बताऊँ आपको। समर कलेक्शन, समर ड्रेसेस, इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी। ये देखिए अंडर 700, कितनी क्यूट ड्रेस है ये। अगर आप बीच पे कहीं जा रहे हो तो उसे पहनने के लिए बहुत अच्छी ड्रेस थी वो। कुर्ती का कलेक्शन बहुत अच्छा था यहाँ पे, लॉन्ग स्लीव्स में, शॉर्ट स्लीव्स में। ये देखिए कुर्ती अंडर 500, ये शॉर्ट कुर्ती थी थोड़ी, बहुत ही प्यारा था इनका जो प्रिंट था सबका। उसके बाद कुर्ती अंडर 300, ये तो लाजवाब थी, इतनी प्यारी कुर्ती। ये मैंने इसमें से अपने लिए भी एक ली है, लास्ट में मैं आप लोगों को ट्राई करके दिखाऊंगी। ये टी शर्ट्स थी अंडर 200, ये टी शर्ट थोड़ी क्रॉप टी शर्ट्स होती हैं तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। हेलो, और ये मेरे हस्बैंड आ गया कि भगे जा रहे थे, इन दोनों को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे ना नाइट वियर कलेक्शन भी होता है और यहाँ पे स्लीपर्स भी होती हैं, स्नीकर्स होते हैं बहुत प्यारे प्यारे। और ये देखिए ये दोनों आ गए हैं। और यहाँ पे तक्षु ने मेरे लिए एक शर्ट पसंद की थी, ये बहुत ही प्यारी शर्ट थी, ऑरेंज शेड में फ्लावर्स इस पर बने हुए थे। ये देखिए हम इसको बोलते रख दे पर ये नीचे रख ही नहीं रहा था, इसको ये शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई। और चलिए अभी हम लोग चलते हैं ऊपर किड्स कलेक्शन में। अंडर 149, ओ माय गॉड, 9 मंथ से 5 साल तक के बच्चे के लिए कितनी प्यारी टी शर्ट्स थी। अंडर 300, 5 साल तक के बच्चे के लिए इतनी प्यारी प्यारी शर्ट्स, इतने शेड्स शर्ट में, कलर्स इतने प्यारे प्यारे, मतलब क्या ही कह दें। उसके बाद ये देखिए, ये डेली वियर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं गर्मियों में ना, ऐसे कपड़े बच्चों के लिए ना बहुत अच्छे रहते हैं जिसमें टी शर्ट हो, नीचे हल्का सा ये निकर टाइप हो, बच्चे में ना बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं खुद अपने बेटे के लिए लेके आई थी, डेली में मैं उसको पहनाती हूँ तो वो बहुत कम्फर्टेबल फील करता है। ये देखिए जॉगर्स का कलेक्शन, दो चीज़ों का कलेक्शन मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा लगा, एक तो शर्ट का कलेक्शन बच्चों की और दूसरा जॉगर्स का कलेक्शन, मतलब लाजवाब ही था, इतने प्यारे प्यारे शेड्स थे। और ये देखिए तक्षु ने तो अपने लिए ले भी लिया। ये देखिए आर्मी ग्रीन शेड था, ब्राउन शेड में थे, ग्रे शेड में थे, ब्लैक शेड में थे, मतलब सारी शेड थी यहाँ पे। ब्लू शेड में थी, ग्रीन शेड थी, डार्क ग्रे था, लाइट ग्रे था, मतलब आपको हर एक कलर में यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ पे ना 14 साल तक के बच्चों के आपको ईजिली मिल जाएंगे कपड़े। उसके बाद ये लड़कियों का कलेक्शन मैंने देखा, छोटी छोटी इतनी क्यूट क्यूट सी ड्रेसेस थी वहाँ पे, छोटे छोटे से स्कर्ट, छोटे छोटे से क्रॉप टॉप्स, बहुत ही प्यारे थे। और ये देखिए कितना सुंदर कलेक्शन, यहाँ पे 5 साल तक की लड़कियों का था ये, और वैसे यहाँ पे 14 साल तक की लड़कियों के लिए भी सारे कपड़े मिल जाएंगे। उसके बाद हमने ना मेंस कलेक्शन देखा, मेंस कलेक्शन भी यहाँ का बहुत अच्छा था। जॉगर्स थे, डेनिम्स थी, टी शर्ट, शर्ट्स और प्रिंटेड शर्ट्स भी थी यहाँ पे, लाइक गोवा बीच वगैरह पे अगर कोई जाना पसंद करता है तो वहाँ पहनने के लिए बहुत अच्छी थी। अंडर 400 ये टी शर्ट्स थी, इनका फैब्रिक ना थोड़ा सा कुछ डिफरेंट फैब्रिक था, कॉटन या दूसरे उसमें नहीं था, बहुत अच्छी थी ये भी। हाफ़ में यहाँ पे शर्ट बहुत अच्छी थी। ये देखिए कितना सुंदर कलेक्शन, देखिए वो बीच पे पहनने के लिए सामने जो वाइट और ब्लू में शर्ट थी बहुत अच्छी लग रही थी। अगर किसी को ना कहीं पिकनिक, मतलब कहीं घूमने जाना है और किसी को शॉपिंग करनी है तो बेझिझक होकर वो जूडियो चला जाए। ये देखिए यहाँ से मैं आपको बताया था अंडर 300 वो कुर्ती देखी थी, देखिए ये 300 में इतनी प्रिटी कुर्ती, कॉटन में, इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा अच्छा, फिटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी, मतलब नॉर्मली इतने में कपड़ा भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा। सेकेंड वाली ये देखिए, मैंने ये वाली ली, मैंने लार्ज साइज़ वियर ट्राई किया था, मेरे को लार्ज ही आता है। उसके बाद यहाँ पे ना एक बहुत ही प्यारी ड्रेस थी ये पिंक कलर की, इस पर तो मेरा दिल ही आ गया था, बट अनफॉर्चुनेटली इसका साइज़ मुझे नहीं मिल पाया। ये जो मैंने वियर किया हुआ है डबल एक्सल था और मुझे लार्ज आता है, ये सिंगल पीस ही यहाँ पे बचा हुआ था, तो सो सॉरी। उसके बाद चलते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू।